दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स को एनालाइज करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक एक छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एनालाइज करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या ये क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अब एक एक करके इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो भी हम फीचर को डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी एनालाइज करेंगे कि जैसे आप चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही क्रेडिट कार्ड हो, आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को उठा लो, जहां पर भी उसके बड़े बड़े फीचर्स लिखे होते हैं ना, वहां नीचे छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा होता है। उस टर्म्स एंड कंडीशन को कोई भी एनालाइज नहीं करता, ना ही उस टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कोई भी आपको बताता है। लेकिन इस वीडियो में हम जो भी फीचर को एनालाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ये सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, इसका एक फीचर ये भी है कि जैसे ही आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आता है तो आपके पास आपको बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक 500 रुपए का अमेज़न का वाउचर मिलता है। ये ठीक है, ये बड़ा बड़ा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जैसे ही आप SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे। लेकिन उसके नीचे जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप क्लिक करते हो, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते एक बड़ा सा आपको, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है ना, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो जो भी फीचर हम एक तरह से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और साथ साथ हिडन चार्जेस क्या हैं, कि मान लो कल को आपने ठीक है एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया और लेट से कि जब इसकी बिलिंग साइकिल आती है, जैसे जब मान लीजिए इस महीने मैंने जो भी एक्सपेंस किया अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, इसका जो बिल मुझे अगले महीने भरना है, मान लो किसी भी एक महीने अपनी लाइफ टाइम में कभी मान लीजिए एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि मैं अपना बिल नहीं भर पा रहा या मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस केस में कितनी पेनल्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपोज करता है, कितनी लेट पेमेंट फीस आपके ऊपर लगती है, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये लोग रिवॉर्ड पॉइंट पे काम करते हैं। जैसे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, जैसे इन पार्टनर ब्रांड्स का एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये पार्टनर ब्रांड्स हैं अमेजोन, अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, ईजी डिनर, लेंसकार्ट और नेटमेट्स। अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपली ये बोलता है कि अगर आप इनके पार्टनर ब्रांड्स के साथ कोई भी शॉपिंग करते हो तो उस केस में आपको 100 रुपये का खर्चा करने पर सीधे सीधे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है। अभी बस आप एक बार ये समझते चले जाओ कि इनके पार्टनर ब्रांड्स के साथ अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो 100 रुपये का, तो 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ही स्टेट बैंक ये बोलता है कि अगर आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन कोई भी खर्चा करते हो, कहीं पे भी जाके खर्चा करते हो, अगर आप ऑनलाइन कोई भी खर्चा करते हो 100 रुपये का, तो आपको 100 रुपये का खर्चा करने पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इनके अलावा यानी पार्टनर ब्रांड्स को छोड़ दो और ऑनलाइन खर्चे को छोड़ दो, अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी 100 रुपये का खर्चा करते हो तो आपको 100 रुपये खर्च करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपली ये बोलता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है उसकी वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। यानी अगर मैं पहले एग्जाम्पल को लेकर चलूँ कि अगर आप इनके पार्टनर ब्रांड से कोई भी 100 रुपये का सामान परचेज करते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है तो 100 रुपये का सामान खरीदने पर आपको 2.5 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यानी इनडायरेक्टली मैं इसे भी बोल सकता हूँ कि 100 रुपये खर्चा करने पर मुझे 2.5% का कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन पार्टनर ब्रांड को छोड़ दो, कहीं पे भी और स्पेंड करते हो, तो 100 रुपये का सामान परचेज करने पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है, तो 5 रिवॉर्ड पॉइंट यानी 1.25% का आपको उस केस में कैशबैक मिलेगा और ऑफलाइन स्पेंड पे आपको सिर्फ 25 पैसे का ही कैशबैक मिलेगा, यानी 0.25% का कैशबैक मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस, ठीक है अभी हम आगे इसके और फीचर्स को डिस्कस करें, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। तो फीस की अगर हम बात करें तो SBI का जो ये सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, सिंपली ये बोलता है कि आपको जो ज्वाइनिंग फीस है, यानी जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो ज्वाइनिंग फीस आपको लगेगी 499 रुपये, और एनुअल फीस यानी साल में हर साल एक बार फीस लगती है जिसे हम एनुअल फीस बोलते हैं, जो साल में एक बार लगती है, वो भी है 499 रुपये। ज्वाइनिंग फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी 499 रुपये, लेकिन एनुअल फीस आपकी माफ़ हो सकती है अगर आप साल में इस क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपये का खर्चा कर लेते हो, तो उस केस में जो आपकी एनुअल फीस है वो 499 रुपये नहीं लगेगी। अब ज्वाइनिंग फीस भी आपको पूरी तरह से माफ़ हो सकती है। देखो अब यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो और अगर इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तब आपको 499 रुपये इसकी ज्वाइनिंग फीस पे करनी ही पड़ेगी और एनुअल फीस भी 499 रुपये पे करनी ही पड़ेगी।
लेकिन अगर आप कैश करो से अप्लाई करते हो, कैश करो से अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप कैश करो से इस SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो कैश करो आपको 1,000 रुपये का सीधा सीधा कैशबैक आपको देगा। यानी अगर आप एक तरफ तो अप्लाई करते हो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, वहाँ पर आपको यही क्रेडिट कार्ड मिलेगा, सब कुछ सेम टू सेम यही रहेगा, बट लेकिन आपको 499 रुपये ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कैश करो से अप्लाई करोगे तो आपको 1,000 रुपये का सीधा सीधा कैशबैक आपको मिलेगा। तो एक तरह से आपकी ज्वाइनिंग फीस भी माफ़ हो गई और एनुअल फीस भी माफ़ हो गई, क्योंकि आपको सीधा सीधा 1,000 रुपये का कैशबैक कैश करो से मिल गया। इसके अलावा जो दूसरे फीचर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे एडवांटेजेस तो आपको मिलते ही रहेंगे। अब कैश करो से जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इजीली आप उस लिंक पे क्लिक करके SBI के इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा बैंक की तरफ से, बेसिकली बस आपको अप्लाई करना है, बाकी सारा काम SBI की ऑफिशियल टीम ही करेगी। तो जैसे ही आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, अगर आपका सिबिल स्कोर वगैरह सब परफेक्ट है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर SBI की तरफ से आपको SBI का ये सिंपली क्रेडिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद इसके दूसरे एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर यानी जब भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके जब भी आप पेट्रोल डलवाते हो तो उस केस में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाता है। लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप 3,000 रुपये का ही पेट्रोल एक बार में डलवा सकते हो, तभी आपको 1% जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो मिलेगा। और इस केस में महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल सकता है। उसके बाद आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर उस महीने में नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलना शुरू होगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा आपको एक सीधा सीधा 500 रुपये का Amazon का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अब इस गिफ्ट वाउचर को आप कहीं पे भी Amazon पे यूज़ कर सकते हो कोई भी सामान मंगवाने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। छोटी सी टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये जो गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ऐसा होता है काफ़ी बार कि हमें पता नहीं होता गिफ्ट वाउचर हमारे पास पड़ा रह जाता है, और अगर 1 साल के बाद इस गिफ्ट वाउचर को अगर आप यूज़ करोगे Amazon पे तो फिर ये यूज़लेस हो जाएगा। तो जैसे ही आपको Amazon का गिफ्ट वाउचर मिलेगा उसे 1 साल के अंदर अंदर आप यूज़ कर लेना, अदरवाइज़ ये जो गिफ्ट वाउचर है ये यूज़लेस हो जाएगा। इसके बाद एक और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर क्लियर ट्रिप के बेसिकली एक तरह से 2,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। यानी SBI सिंपली ये बोलते हैं कि अगर आप इस SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अगर आप 1 साल में 1,00,000 रुपये का खर्चा करते हो तो आपको 2,000 रुपये का क्लियर ट्रिप का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 2,00,000 रुपये अगर 1 साल में स्पेंड कर देते हो इस SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से तो आपको एडिशनल एक और गिफ्ट वाउचर मिलेगा क्लियर ट्रिप का ही 2,000 रुपये का। यानी अगर आपने 2,00,000 रुपये का सामान परचेज किया यानी 2,00,000 रुपये का खर्चा कर दिया 1 साल के अंदर अंदर इस SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2 गिफ्ट वाउचर मिल जाएंगे क्लियर ट्रिप के 2,000 रुपये के। अगर 1,00,000 का खर्चा करोगे तो 1 गिफ्ट वाउचर मिलेगा क्लियर ट्रिप का 2,000 रुपये का। अब ये क्लियर ट्रिप क्या है? क्लियर ट्रिप बेसिकली एक कंपनी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, इसके अलावा एक तरह से मेक माई ट्रिप जैसे कंपनी है, कुछ उसी तरह से इसका काम है क्लियर ट्रिप का। तो अगर आप कहीं ट्रेन बुकिंग करना चाहते हो, फ्लाइट बुकिंग करना चाहते हो, होटल बुकिंग करना चाहते हो तो वहां पे आपको ये जो क्लियर ट्रिप के गिफ्ट वाउचर्स हैं ये बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में क्लियर ट्रिप ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपको 2,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं इसे अगर आप क्लियर ट्रिप पे जाके यूज़ करते हो तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप इस 2,000 के वाउचर को यूज़ कर रहे हो ना तो आप किसी दूसरे वाउचर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी बार क्लियर ट्रिप पे ही ऑलरेडी ये चल रहा होता है कि 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको, 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो जो दूसरे ऑफर्स क्लियर ट्रिप ने ऑलरेडी सबके लिए चला रखे हैं उस टाइम पे आपको वो ऐसा नहीं कि आप 2,000 का SBI वाला वाउचर भी यूज़ कर लोगे और एक्स्ट्रा जो क्लियर ट्रिप खुद दे रहा है वो भी कर लोगे। अगर आप या तो क्लियर ट्रिप का खुद यूज़ कर लो या फिर SBI का 2,000 रुपये वाला वाउचर यूज़ कर लो, यानी एक बार में आप एक ही वाउचर को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लियर ट्रिप है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये भी कहते हैं कि आप किसी भी ट्रेन टिकट की बुकिंग या बस बुकिंग के लिए अपनी ये जो SBI सिंपली क्लिक के जो आपको वाउचर मिले 2,000 रुपये के, ये आप ट्रेन टिकट बुकिंग और बस टिकट की जो बुकिंग है उसके लिए बेसिकली क्लियर ट्रिप पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरह से दो टर्म एंड कंडीशन होगी कि आप सिंगल
SBI के वाउचर को यूज़ कर सकते हो, एडिशनल वाउचर किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते, और बस और ट्रेन की बुकिंग के लिए आप क्लियर ट्रिप के इन वाउचर्स को यूज़ नहीं कर सकते। इन सब के अलावा SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के दूसरे फीचर को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो 2500 रुपये से ऊपर की अमाउंट को, अगर 2500 रुपये से ऊपर की अमाउंट है तो उसे आप ईजिली EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए ये भी बोलता है कि लेट सपोज कि आपका SBI के अलावा किसी दूसरे बैंक का भी क्रेडिट कार्ड चल रहा है, मान लीजिए आपका ICICI बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, HDFC का भी क्रेडिट कार्ड है, और आप ये चाहते हो कि वो जो क्रेडिट कार्ड में मैंने जो भी खर्चा किया है उस सारे खर्चे को मैं SBI के अंदर शिफ्ट कर लूं, तो SBI ये बोलता है कि आप किसी भी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से जो भी आपने खर्चा किया है उस सारे खर्चे को एक बार SBI आपका पूरा का पूरा खर्चा भर देगा, आपके जो दूसरे क्रेडिट कार्ड का जो भी एक्सपेंस था वो क्लियर SBI कर देगा, वो जो सारा का सारा आपने खर्चा किया था वो शिफ्ट हो जाएगा SBI के पास, और वो जो आपने खर्चा SBI के पास शिफ्ट किया, जो एक्सपेंस अपना SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के अंदर शिफ्ट किया है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 0.75% पर मंथ के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक तरह से 9% सालाना हो गया, तो इतना तो आप कोई भी लोन लोगे छोटा मोटा सा भी उसके अंदर भी 9-10% का इंटरेस्ट रेट तो चलता ही रहता है। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग फीस आपको 1.5% की पे करनी पड़ेगी, जितना भी आपने अमाउंट शिफ्ट किया उसका 1.5% आपको पे करना पड़ेगा। एक एड ऑन कार्ड का फीचर भी आपको मिल जाता है। एड ऑन कार्ड का सिंपली मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है और इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड SBI ने आपको दिया है, ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली में एक फादर भी, आपके एक मदर भी हैं, उन्हें भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन फादर और मदर ITR भी नहीं भरते, ना जॉब करते हैं, उनका सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बैंक ये क्या बोलता है, मान लो आपके पास जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 रुपये की है और आप चाहते हो कि आपके फादर को और आपकी मदर को भी क्रेडिट कार्ड मिले, तो एड ऑन कार्ड के फीचर का मतलब ये होता है कि आपकी लिमिट को ही बायफर्केट कर दिया जाएगा, यानी आपके पास 50,000 रुपये में से 20,000 की लिमिट रह जाएगी, 20,000 की लिमिट आपके फादर को मिल जाएगी और 10,000 की लिमिट आपकी मदर को मिल जाएगी, तो ऐसे में आपके फादर और आपकी मदर दोनों ही SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए बैंक की तरफ से अकाउंटेबल आप ही रहेंगे। तो ये थे कुछ फीचर्स SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड के। अब यहां पे एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बार हम ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहां पे कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी ATM में जाके कैश विड्रॉ मत करना, क्योंकि सीधा सीधा जितना भी आप कैश विड्रॉ करोगे उसका 2.5% आपको एक तरह से फीस बैंक को पे करनी पड़ जाएगी, यानी अगर आपने SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से किसी ATM मशीन में जाके 1,00,000 रुपए का कैश विड्रॉ कर लिया तो उस केस में आपको 2500 रुपए एक तरह से फीस बैंक को पे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि 2.5% आपको फीस भरनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आपने किसी महीने ऑन टाइम अगर मान लीजिए इनका इंटरेस्ट पे नहीं किया तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 3-3.5% की पेनल्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर इंपोज करेगा, यानी अगर आप पर मंथ की बात कर रहा हूँ कि 3-3.5% की पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर इंपोज करेगा, यानी ऑलमोस्ट 36-42% होगी या आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी होगी। इसके साथ साथ इतना ही लेट पेमेंट फीस भी आपके ऊपर लगेगी, यानी कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो एज एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही, आप चाहे एक्सिस बैंक का ले लो, ICICI भारत के किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको हमेशा मैच्योरिटी के साथ उसे डील करना है। कभी भी अपनी जो एक तरह से पेमेंट्स हैं यानी जो भी आपका इंटरेस्ट है या फिर मान लीजिए जितना भी आपने एक्सपेंस किया है उसे हमेशा आपको ऑन टाइम ही पे करना है। तो ये थे कुछ फीचर्स, अगर इन केस आपका स्टिल फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।